नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा में बड़ी धूमधाम से मनाया गया बहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस। शहीद भगत सिंह स्टेडियम हुआ जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह है। हिसार मंडल के आयुक्त संजीव रंजन ने ध्वजारोहण कर ली परेड की सलामी। आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में आज जिला स्तरीय बहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हिसार मंडल के आयुक्त राजीव रंजन ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। उससे पहले आयुक्त राजीव रंजन ने शहीदी स्मारक स्थल व स्वतंत्रता सेनानी स्थल पर जाकर के शहीदों व देशभक्तों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। समारोह में विभिन्न स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिससे पीटी परेड, सूर्य नमस्कार, लेजियम व डम्बल शो प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि ने जिला के स्वतंत्रता सेनानियों व उनके आश्रितों और 22 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। सम्मानित किए गए सभी 22 खिलाड़ियों को 21,30,000 की राशि नगद पुरस्कार के रूप में दी गई। वहीं आयुक्त राजीव रंजन ने कहा कि शहीदों की बदौलत आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन शहीदों को हमें दिल से नमन करना चाहिए और उनकी शहादत को हमेशा याद रखना चाहिए। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। खानदान वाले लोगों की होती है, इसलिए वही मैं सुना पा रहा हूँ। छुट्टी लेने के बाद लखनऊ गए, इनके फादर जो है वो नवाब वबाब जो है ना, उनके परिवार के सड़कों के ऊपर इधर उधर गाड़ी चलाई और सोचते रहे मैं करूँ तो क्या करूँ। सडनली ही रियलाइज कि यही तो भारत एक कंट्री है। ऐसे कि निशान बन जाए, कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। सबसे पहले परेड का ओवरऑल नेतृत्व कर रहे हैं डीएसपी रविंद्र कुमार जी। सबसे पहली टुकड़ी महिला पुलिस बल की टुकड़ी है, जिसके कमांडर एएसआई दर्शना देवी जी है। तीसरे चौथे नंबर पर राजकीय नेशनल कॉलेज सिरसा एनसीसी की टुकड़ी, जिसके कमांडर मोहित जी है। पाँचवें नंबर पर राजकीय मॉडल सांस्कृतिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एनसीसी की टुकड़ी, जिसके कमांडर साहिन जी है। सभी टुकड़ियों आज का 15 अगस्त का दिन जो है बहुत ही पावन दिन है और इस पर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। 15 अगस्त हमारे देश के लिए बहुत ही खास दिन है। सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि इसी दिन 15 अगस्त को कोरिया की जापान के साथ आजादी हुई थी, लेजस्टाइन की जर्मनी के साथ जो है ना उनके साथ जो उनको भी आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी। बहरीन को भी जो है ना ब्रिटेन के साथ जो है इंडिपेंडेंस मिली थी और कांगो को भी फ्रांस के साथ इंडिपेंडेंस मिली थी। ये सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि अन्य चार देश भी जो है इसी 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे इंडिया के साथ शेयर करते हैं। 15 अगस्त ऐसे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि इंडिया में जो जुडिशियल सिस्टम था वो जुडिशियल सिस्टम की शुरुआत भी 15 अगस्त से ही हुई थी, जब इंग्लिश रूल हुआ करता था। तो इंग्लिश रूल के अंदर जो ना इसी दिन आज से कई साल पहले लोगों ने शुरू किया था। अब 15 अगस्त एक चीज के लिए और भी बहुत फेमस है, वो है हमारे अरविंदो घोष। 15 अगस्त 1872 के दिन हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, महान दार्शनिक और बहुत ही महान व्यक्ति श्री अरविंद घोष, उनका जो है जन्मदिन था। मैं कुछ मिनट, चंद मिनट श्रद्धांजलि तो सभी शहीदों को, सभी स्वतंत्रता संग्राम में काम करने वाले को है, पर कुछ मिनट में लगाना चाहूँगा श्री अरविंद घोष के बारे में, कि जिनके बारे में जो लोग थोड़ा कम जानते हैं, क्योंकि वो जो है काफ़ी पहले हुए, यहाँ से काफ़ी दूर हुए। आश्रम जो उन्होंने पांडिचेरी में बनाया, जहाँ उन्होंने कलकत्ता और बंगाल की जो पुराने जमाने का बंगाल है, जिसमें बांग्लादेश, आसाम, बिहार, बंगाल, झारखंड ये सारे के सारे आते थे,